आजादी के इतने वर्षों तक हम चल रहे थे, आज भारत के वर्तमान ने अपने इतिहास के एक स्वर्णिम पृष्ठ को उजागर करने का काम किया है। आज जब धरती से लेकर के आसमान तक सरदार साहब का अभिषेक हो रहा है, तब भारत ने न सिर्फ अपने लिए एक नया इतिहास भी रचा है, बल्कि भविष्य के लिए प्रेरणा का गगनचुंबी आधार भी तैयार किया है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे सरदार साहब की इस विशाल प्रतिमा को देश को समर्पित करने का अवसर मिला है। जब मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर इसकी कल्पना की थी तो एहसास नहीं था कि एक दिन प्रधानमंत्री के तौर पर मुझे ही ये पुण्य काम करने का मौका मिलेगा। सरदार साहब के इस आशीर्वाद के लिए देश की कोटि कोटि जनता के आशीर्वाद के लिए मैं खुद को धन्य मानता हूं। आज गुजरात के लोगों ने मुझे जो अभिनंदन पत्र दिया है, उसके लिए भी मैं गुजरात की जनता का बहुत बहुत आभारी हूं। मेरे लिए ये सम्मान पत्र या अभिनंदन पत्र नहीं है, लेकिन जिस मिट्टी में पला बढ़ा, जिनके बीच में संस्कार पाए, और जैसे मां अपने बेटे के पीठ पर हाथ रखती है तो बेटे की ताकत, उत्साह, ऊर्जा हजारों गुना बढ़ जाता है। आज आपके इस सम्मान पत्र में मैं वो आशीर्वाद की अनुभूति कर रहा हूं। मैं लगातार सोचता रहता था, लोगों से विचार विमर्श करता था, सबके सुझाव लेता रहता था, और आज मुझे प्रसन्नता है कि देश के इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट से जुड़े जन जन ने देश के विश्वास को, सामर्थ्य को एक शिखर पर पहुंचा दिया। भाइयों और बहनों, दुनिया की ये सबसे ऊंची प्रतिमा पूरी दुनिया को, हमारी भावी पीढ़ियों को उस व्यक्ति के साहस, सामर्थ्य और संकल्प की याद दिलाती रहेगी, जिसने मां भारती को खंड खंड टुकड़ों में करने की जो साजिश को नाकाम करने का पवित्र कार्य किया था, जिस महापुरुष ने उन सभी आशंकाओं को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जो उस समय की दुनिया भविष्य के भारत के प्रति जता रही थी।
ऐसे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को मैं शत शत नमन करता हूं।